हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका भारतीज वर्ल्ड में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने वाइट पेपर लिया है, पेंसिल एंड सीजर। पेंसिल की हेल्प से मैं यहाँ पे हाफ हार्ट का शेप ड्रॉ कर लूँगी और सीजर की हेल्प से उसे कट कर लूँगी। ये देखिए, हार्ट का शेप बनके मेरा रेडी है। अब मैं इसे चार्ट पेपर के ऊपर रख के उसके बॉर्डर को मैं ड्रॉ कर लूँगी। इससे क्या होगा, हमें हार्ट के शेप एक जैसे बनाने में मदद होगी। तो इस तरीके से मैं उसकी बॉर्डर को ड्रॉ करूँगी। तो इसको हम कट कर लेंगे। ये देखिए, हार्ट का शेप बन के रेडी है। इसी तरीके से मैंने बहुत सारे हार्ट शेप बना के यहाँ पे रखे हैं। ये मैंने अभी यहाँ पे ऊलन का थ्रेड लिया है जी। उस थ्रेड के ऊपर हमें ये सब हार्ट पेस्ट करने हैं। तो ये देखिए, और पेस्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने ग्लू लिया है। तो चलिए ग्लू की हेल्प से इसे स्टिक करेंगे। तो इसे हार्ट के सेंटर पे हम ग्लू लगाएंगे और थ्रेड के ऊपर उसे पेस्ट करेंगे। उलन का थ्रेड होने की वजह से ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे दो हार्ट में डिस्टेंस एक जैसा आने के लिए स्केल की हेल्प ली है। तो स्केल की हेल्प से हम दो हार्ट यहाँ पे स्टिक करेंगे। इस तरीके से तो ये देखिए, हमारा हैंगिंग बनके यहाँ पे रेडी है। मैंने ये उलन की थ्रेड के ऊपर सारे हार्ट्स स्टिक कर लिए हैं। कैनोपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बैंगल और एक साड़ी ली है। इस तरीके से साड़ी की प्लेट्स हमें यहाँ पे बना लेनी है। ये देखिए, इस तरीके से बैंगल में हमें साड़ी को टक कर लेना है। यहाँ पे मैंने एक मैट्रेस ली है, उसे अच्छे से फोल्ड करके रख दिया है। और इस थ्रेड को मैं बैंगल में हैंग कर लूँगी, जैसे कि उसे मुझे हुक में हैंग करने के लिए हेल्प हो। यहाँ पे मैं साड़ी को अच्छे से दोनों साइड से मैट्रेस के अंदर टक कर लूँगी। और वो जो बीच में गैप दिख रहा है, उसके लिए मैं सेफ्टी पिन से उसे सिक्योर कर लूँगी। दोनों एजेस को, साड़ी की दोनों जो बॉर्डर है उसको मैं सेफ्टी पिन से सिक्योर कर रही हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैंने एक बेडशीट ली है, वो मैट्रेस के ऊपर मैं बिछा दूँगी अच्छे से और मैट्रेस को कवर कर लूँगी। ये देखिए, हमारा कैनोपी बन के रेडी है। अब हम बलून्स को ब्लो करेंगे, फुलाएंगे। तो चलिए बलून्स को फुलाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमारे मैंने सारे बलून फुला लूँगी। अब जो हैंगिंग है उसे हम वॉल के ऊपर हैंग करेंगे। उसके लिए मैंने डबल साइडर टेप लिया है और उसकी हेल्प से मैं उसे वॉल के ऊपर हैंग करूंगी। इस तरीके से मैंने सारे हैंगिंग्स वॉल के ऊपर, दोनों साइड, कैनोपी के दोनों साइड मैंने उसे स्टक कर लिया है। इनको है ना, नीचे की साइड पे मैं डबल साइडर टेप से सिक्योर कर लूँगी, जैसे कि वो हवा की वजह से ना ही ले। तो उन्हें नीचे भी मैं डबल साइडर टेप लगा ले रही हूँ। अब यहाँ पे बलून्स को हम साड़ी के जो कैनोपी है उसके बॉर्डर में मैंने बॉर्डर में पूरी तरह से उसे सजा दिया है। अब ये वॉल के ऊपर मैं बलून स्टिक कर रही हूँ।
तो इन्हें अच्छे से वॉल वॉल के ऊपर हमें स्टिक कर लेना है, ये देखिए। और बीच में ये दोनों साइड मैंने लगा लिए हैं। अब हम यहाँ पे लाइटिंग का यूज़ करेंगे। ये लाइटिंग मैंने कैनोपी के ऊपर डेकोरेट कर ली है। यहाँ पे एक गालीचा बिछा दिया है, उसके ऊपर मैं स्टडी टेबल रख रही हूँ, और ये मेरी चुन्नी है उसे मैं बिछा दे रही हूँ। यहाँ पे मैंने डेकोरेशन के लिए थोड़ा सा वो पाम ट्री रखा है और दो पिलो यहाँ पे रख दिए हैं। और ये एक वास है जिसे मैं टेबल के ऊपर रख रही हूँ। ये देखिए, अब है ये है हमारा फाइनल डेकोरेशन का लुक। यहाँ पे मैंने केक और कैंडल्स भी जला दिए हैं। तो ये है हमारा फाइनल बर्थडे डेकोरेशन का लुक। एक्चुअली इसे बनाने के लिए मैंने कोई भी ज़्यादा खर्चा नहीं किया है, सिर्फ बलून मैंने मार्केट से लाए और चार्ट पेपर। बाकी का सारा सामान हमारे घर पे अवेलेबल होता है, उसी सामान का यूज़ करके मैंने ये डेकोरेशन तैयार किया है। तो देखिए इस तरीके से बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है उसका। और ये देखिए, लाइट ऑफ करने के बाद भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। कैंडल स्पेशली बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, और लाइटिंग बहुत ही सही। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये बर्थडे डेकोरेशन की आइडिया अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।